उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों से रेसिपी नहीं अपलोड की थी, बिजी थी अपने चैरिटी के इवेंट में और बस और व्लॉग अपलोड कर रही थी, पर आज मैंने कहा क्विकली, मेरा दिल बहुत चाह रहा था टिक्का बिरयानी का। चिकन टिक्का बिरयानी मेरी फेवरेट होती है, लाम बिरयानी से भी ज़्यादा, और ये मेरे स्टाइल से होती है। ये मैंने ना किसी से कॉपी की है ना कुछ, और ये सच्ची मेरे स्टाइल से टिक्का बिरयानी है। तो बहुत इजी बनती है, बहुत क्विक बनती है, और चले मैं आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं सिर्फ एक कप की बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ और ये जो मेरी हाउसमेट है ये है, तो एक कप हमारे लिए बहुत होगा। तो चले बनाते हैं अपनी चिकन टिक्का बिरयानी, लेट्स बिगिन। सो इसके लिए जो मैंने सबसे पहली चीज ली है वो मैंने लिया है एक कप बासमती राइस, जो मैंने कि आधे घंटे से इसको सोक कर दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी जीरा, नमक, थोड़ा सा ऑयल, और मैं इसको बॉयल करने के लिए रख दूंगी। लेकिन मैं इसको बॉयल करूंगी ओनली 3/4 में इसको पकाऊंगी, यानी कि ये पूरी तरह से ना पक जाए क्योंकि फिर ये टूट जाते हैं। तो जैसे कच्चे नीम कच्चे से मैं इसको निकालूंगी। Please subscribe and click the bell to get notification. तो चले इसको कुक करते हैं अपने चूल्हे पे, और मैं आपको अब टिक्का बनाने का बता दूं कि हम टिक्का कैसे बनाएंगे। और अभी हम बनाएंगे अपना टिक्का का। सो ऑयल ओनली अबाउट 1 or 2 टेबलस्पून, और अब मैं इसको डाल दिया है तकरीबन 1 breast, और ऐसे के 1 breast हो या 1 cup breast हो, और ऐसे 1 inch के बराबर पीस करके, तो ये मैंने डाल दिया है। और अब इसको मैं थोड़ा सा स्लो हीट पे कुक कर दूंगी। तो बहुत आसान तरीका है, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। ये अजीब तरीके से टिक्का है, टिक्का यूजली हम बस टिक्का मसाला डाल के तो फ्राई कर देते हैं, नहीं, इसमें ऑनियन भी होगा, इसमें गार्लिक भी होगा, इसमें सब कुछ होगा, बड़ा मज़ेदार होने वाला है और आपको अच्छा भी लगेगा। एंड आफ्टर 2 मिनट आई एम गोना ऐड सम गार्लिक। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 cloves ऑफ गार्लिक, इस बिरयानी में गार्लिक की खुशबू आए तो वाह वाह जी, वाह वाह जी। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा गार्लिक नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन चिकन की बू को गार्लिक ही बैलेंस कर देता है। तो मुझे गार्लिक अच्छा लगता है, मैं कोई भी मीट का या किसी फिश का या मीट का कोई रेसिपी बनाती हूँ ना, तो मैं गार्लिक का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो ऐसी थोड़ी सी हैवी सी स्मेल होती है मीट की वो ख़त्म हो जाती है। एंड नाउ यस, ऑनियन, टिक्का में कभी ऑनियन देखा है? पर यस, मेरे इस टिक्का बिरयानी में ऑनियन भी होता है, और आप इसको बना के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सो नाउ 1 large onion एंड कपल ऑफ ग्रीन चिली, कुक दा फॉर गुड 2-3 मिनट। तो अब आप लोग कहेंगे कि मामा टिक्के में कहाँ से ऑनियन आ गए, लेकिन आप यकीन करें, आप अपनी रेसिपी को रिक्रिएट करें, किसी की भी रेसिपी आप फॉलो करें, आप उसमें अपना थोड़ा सा कोई हिंट वेंट दे देना, कोई अपनी डाल दे कुछ, वो रेसिपी टोटल डिफरेंट हो जाती है। मैं चिकन टिक्का बनाती हूँ बगैर ऑनियन के भी, लेकिन मैं इन प्याजों के साथ जब चिकन टिक्का बनाती हूँ, आप यकीन करें कि उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो आप ज़रूर हर किसी की रेसिपी को थोड़ा सा फॉलो किया करें, क्योंकि हर इंसान, हर औरत, मेरे ख्याल में स्पेशली एशियन हमारी औरतें, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं, ज़रूरत के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, नीड के मुताबिक, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे घर में ये एक चीज़ मौजूद होती है, दूसरी नहीं मौजूद होती, तो हम
तो हमें चाहिए कि हम क्रिएट करते रहे रेसिपी को। जरूरी नहीं है कि हम कहें नहीं अफगानी पुलाव तो इस तरीके से बनता है तो वही तरीका हो, टिक्का तो इस तरीके से बनता है तो यही तरीका हो, या चपली कबाब इस तरीके से बनते हैं तो यही तरीका है। नहीं, हर इंसान की अपना तरीका होता है और इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। तो चले पकाते हैं अपना टिक्का। इसको मैं गुड 4-5 मिनट के लिए बनाऊंगी, पकाऊंगी। तब तक मेरे ऑनियन इसमें कैरामेल ब्राउन से ना हो जाए। तो मेरा टिक्का बन रहा है और तब तक मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। ये तो मैं आज ही पोस्ट करूँगी अपने टिक्के का, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोच लिया है कि मैं बस जब भी मेरा दिल चाहेगा कोई, कभी मैं 3 व्लॉग भी पोस्ट कर लूँगी और कभी 2 भी और कभी 4 भी और कभी 5 भी। तो मेरा व्लॉग का आज कोई ऐसा रूटीन नहीं होगा कि मैं कैसे पोस्ट करूंगी और किस तरतीब से करूंगी। बस आपकी मामा हूँ, आपको ऐसे ही मुझे वॉच करना है। इतना मैं कोई ख़ास तरतीब से नहीं कर रही हूँ, पर मुझे जब जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह और जब जब मेरा दिल चाहेगा मैं पोस्ट करती जाऊंगी चीज़ों को। तो मैं यही सोच रही थी कि 1-2 रेसिपी वीक के और 1-2 व्लॉग पोस्ट करूँ। व्लॉग तो बहुत ज़बरदस्त व्लॉग आने वाला है मेरा। मेरा ब्लॉग हो गया इंशाल्लाह मेरी चैरिटी के इवेंट का, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट का, बहुत ही ज़्यादा, वो भी ब्लॉग पोस्ट करूँगी। 2-3 और ब्लॉग बनाने का सोच रही हूँ, वो भी पोस्ट करूँगी। सिदीक के साथ डे आउट किया था और फिर साथ में नाके के साथ थोड़ी सी बातचीत की थी, हम नाके के साथ भी बाहर गए थे, वो भी पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह, सून पोस्ट करूँगी। आज ये रेसिपी का पोस्ट करती हूँ, फिर और पोस्ट करूंगी। ऑनियन इज प्रॉपर कैरामेल एंड आई एम गोना ऐड अ फ्यू मसाला। सो आई एम एडिंग हीरा मसाला, क्यूमन सीड, चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड अ लिटिल बिट गरम मसाला एंड कुक द फॉर अनदर फ्यू मिनट विद पिंच ऑफ वाटर। और इसको मैं अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुक करूँगी। मैं इसमें बिल्कुल दही का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप लोग कहेंगे कि मामा इसमें तो दही नहीं है, तो दही नहीं है, बस आपने दही नहीं डालनी, आपने इसी को फ्राई करना है ऐसे करके और थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाना है। एड इन स्लोली जस्ट अ लिटिल बिट वाटर एंड कुक दिस फॉर कपल ऑफ मोर मिनट। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के ऐसे इसको कुक करें कि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम यूजुअली दही डालते हैं, योगर्ट डालते हैं अपनी बिरयानी में, पर इसमें कोई मैं योगर्ट नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ये ऐसी अच्छी लगती है। आपकी अपनी चॉइस है, आप अगर बिल्कुल बिरयानी में योगर्ट को पसंद करते हैं तो आप पानी की जगह थोड़ा थोड़ा सा करके योगर्ट इसी तरीके से डाल दें। ये मेरा टिक्का बिल्कुल तैयार हो गया, आप देख रहे हैं धुआँदार, उफ कितना धुआँ उठ रहा है। ये तैयार हो गया है, अब हम दूसरी चीज़ का एहतमाम करते हैं। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ अपने राइस। ये मैं यूज़ कर रही हूँ हीरा बासमती राइस और आप दाने को देख रहे हैं कितना लंबा लंबा सा दाना हो गया। थोड़े थोड़े से अभी वेट हैं क्योंकि मैंने इसको 3/4 ही कुक किया है, पूरा कुक नहीं किया है। और चलिए अब इसको प्रिपेयर करते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। और अब मैं कैसे इसको प्रिपेयर करती हूँ और फिर दम कैसे लगाऊंगी वो देखिए। तो ये है मेरा पैन। तो सबसे पहले मैंने अपने बासमती राइस जो मैंने कुक किए थे वो डाल रही हूँ। मैंने हाफ डाल देने हैं और हाफ छोड़ देने हैं, ठीक है। एंड माई सेकेंड स्टेप इज टू स्प्रिंकल बिरयानी मसाला, coriander and dry onion and a little bit oil and now my chicken tikka on top. So I'm using half a chicken tikka now. आपने जैसे देख लिया कि मैंने पहले डाला अपने राइस को, फिर मैंने डाला धनिया, थोड़ी सूखी प्याज, थोड़ा सा बिरयानी मसाला और अपना चिकन टिक्का।
And now my second layer of my Heera Basmati rice. ये मैंने डाल दिए हैं. And now little bit dry onion. Pinch of biryani masala, little bit coriander. Just 1 tablespoon oil. And the rest of chicken tikka. And on top, again, my Heera Basmati rice. Wow. And a little bit dry onion, coriander, and a pinch of biryani masala. And my biryani is almost ready. और अभी इसको मैं दम लगा दूंगी. तो बिल्कुल तैयार है. अब मैं इसको लिट के अंदर रख दूंगी और ये 10 मिनट के लिए इसको दम दे दूंगी. 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ. तो बिरयानी को दम लगा दिया है, दम पे रख दिया है बड़ी स्लो सी हीट पे. मैं कभी बिरयानी को ओवन में भी रख लेती हूँ और कभी तवा नीचे रख के पॉट ऊपर रख के ऊपर ढकने के ऊपर वो थोड़ा सा कपड़ा लपेट के ऐसे दम दे देती हूँ. वो तो आप सबको पता होगा तो दिखाने की क्या ज़रूरत है. मैं एक 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ और फिर मैं निकालूंगी इसको और मैं खाऊंगी उसको इंशाल्लाह. और आप लोग भी, हर घर में चिकन तो मौजूद होते हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप बोनलेस चिकन से ये बनाएं. टिक्का वैसे ब्रेस्ट का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके घर में ब्रेस्ट मौजूद ना हो या कुछ, तो आप खैर बोन वाले उससे भी टिक्की की तरह इस स्टाइल से बना के आप ये बिरयानी बना सकते हैं. कभी कभी ब्रेस्ट घर में नहीं होता तो मैं ऐवें चिकन से भी बना लेती हूँ, पर ट्राई ज़रूर करना. अच्छा, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि कमेंट करें मेरे रेसिपी पे. तो एक बच्ची ने या बहन ने जो इन्हें भी कमेंट किया था कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया है. और तुम हमेशा कहती हो कि कमेंट करो और जब कोई कमेंट करता है तो तुम बुरा मानती हो. तो मैंने तो कभी उसके लिए, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो मैंने तो कभी भी बुरा नहीं माना. तुम लोग जैसे कहते हो मैं वैसे ही उस रेसिपी को फिर दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ. और मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ. मैंने बस ये कहा है कि मेरे हाथ के खाने मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को पसंद है और मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ. तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत किया है, क्या बुरा किया है या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए. लेकिन ये बात करना कि हम कमेंट करते हैं तो तुम बुरा मानते हो, तो ये टोटली फेक है, टोटली ये झूठ है. यानी इट्स अ बिग लाई, क्योंकि मैंने कभी भी किसी की बात कभी बुरा नहीं मनाया. हाँ, अगर एक बात पे मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ तो एज यू नो आई ऑलवेज स्टैंड फॉर माई सेल्फ और मैं कहती हूँ कि नहीं, ये बात ऐसी ही है. क्योंकि अगर आप लोग दिन को रात कहेंगे तो क्या मतलब, मैं भी कहूँगी सेम. नहीं, अगर दिन को आप रात कहेंगे तो मैं प्रूफ करूँगी कि नहीं, ये दिन है, ये रात नहीं है. ठीक है ना? तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, चक्की भी दिखाती हूँ आपको कि मेरी रेसिपी कैसी है. और बाकी माशाल्लाह यूट्यूब पे 1000 रेसिपी व्लॉगर मौजूद हैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, और उनके आगे मेरी रेसिपी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. मैं बस, मेरा पैशन है फूड बनाना, मैं बनाती हूँ और आप मेरे फैमिली हो, आपके साथ शेयर करती हूँ. अगर किसी को मेरी रेसिपी अच्छी नहीं लगती, वेलकम, मुझे ब्लॉक कर दें और मेरी रेसिपी को ना देखें. क्योंकि मैं ज़बरदस्ती किसी से रेसिपी दिखवाना नहीं चाहती हूँ. अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मुझसे प्यार है, तो ज़रूर देखिए. और अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो मैं किसी को भी मजबूर नहीं करती हूँ. कमेंट के लिए मैं इसलिए बताती हूँ कि मैं भी अपना चैनल इम्प्रूव कर लूँ आप लोगों की सलाहों के साथ. तो ये एक छोटी सी बात शेयर करनी थी. चलिए मिलते हैं बिरयानी के साथ.
एंड मेरी बिरयानी रेडी हो गई। बिरयानी बिल्कुल तैयार है, मैंने अभी गरम गरम इधर ले आई हूँ और आपको दिखाती हूँ मेरी बिरयानी का क्या हाल है। Let me show you. Yummy, and let's serve it. ये मेरी बिरयानी बिल्कुल तैयार है, इतनी जबरदस्त बनी है, आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, ये ऊपर ये टिक्के, ये क्या कुछ नजर आ रहे है कुड़ियो। मजेदार। और चले अब मैं इसको चक्के भी दिखाती हूँ। रेडी है खाने के लिए। लिया थोड़ा सा टिक्का, थोड़ा सा लिया राइस, और ये देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा गिर गया, बम्बार है बम्बार। खा के तो देखिए, कसम से मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, जबरदस्त बनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी जबरदस्त है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जाइए बजाइए। इस सर्दी के मौसम में आप इसको गरम गरम किचन में बना के तो गरम गरम सर्व करें और गरम गरम खाएं। और अगर फैमिली के लिए नहीं बनानी, मेरी तरह एक कप की बनाएं, एक दो बंदे खा लो, बहुत ही अमेजिंग बनी हुई है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले रेसिपी में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मम्मा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।